विकी, अंकिता, अभिषेक और मुनावर, आप लोगों को लगता है कि मनारा आपकी दोस्त है? नहीं. आपको लगता है? मुझे नहीं लगता. आपको लगता है? मनारा, अभी एक सवाल में आपने बोला कि मैं एक बहुत रिस्पेक्टेबल गर्ल हूँ. ऑफ कोर्स आप हो जी, बट रिस्पेक्ट पाने के लिए ना रिस्पेक्ट देनी पड़ती है. जी बिल्कुल. यहाँ पे आपने किसी भी औरत की इज्जत नहीं की है. ओके. आपने रिंकू जी को भी नाम से बुलाया है जी. आपने जिग्ना जी को भी नाम से बुलाया है. आपने ईशा को भी कैरेक्टर असैसिनेट किया है. आपने अंकिता के बॉडी फीचर्स पे, उनके काम पे कमेंट किया है. और बाकी हाँ जी किया है कि क्या करके आई है यहाँ पे बैठ के. काम नहीं मिलेगा जी. बताओ, खानजादी के बारे में बोला वही मैं आ रहा हूँ. यहाँ पे बैठ के आपने खानजादी के बाद झगड़ा होने के बाद आपने बोला है, यहाँ आप रोते रोते बोलियो कि यहाँ मेरे जैसे लड़कियां नहीं आती, यहाँ पे बीप टाइप की लड़कियां आती है. ये शो बीप टाइप की लड़कियों के लिए है, सबको दिखेगा वो. तो आप मेरे को एक चीज बताइए, उसके बाद आप उनको इनसिक्योर बोलती हो, सबको इनसिक्योर बोलते हो. आप तो अपने खुद के दोस्त के नहीं हो. आपने मुनावर के प्राइवेट लाइफ का, आयशा आने से बहुत पहले उनके डिवोर्स का, उनके बच्चे होने का बहुत बड़ा तमाशा बनाया लोगों के सामने. यस ऑफ कोर्स यू ब्रॉट इट अप एंड आपने वहां पे अनुराग ने किया था जो भी आप थी और आपने कमेंट भी किया है उसका. okay. अनुराग अभी है नहीं तो उनको पूछ नहीं सकते. हाँ. जब आपके और मुनावर के बीच में कोई तनाव नहीं था जी. तो आप मेरे को बताइए, जब आपने किसी के साथ दोस्ती उस हिसाब से नहीं निभाया, आप एक्सपेक्टेशन कैसे रखती हो कि सब आपको नॉमिनेट ना करे और आप विक्टिम प्ले करती हो बट आप खुद विक्टिमाइज बाकी सबको कर चुकी हो? ओके. हो सकता है कि मैंने सबको विक्टिमाइज किया हो और हो सकता है कि शो में मेरा परसेप्शन आ रहा हो. तो देन इफ समथिंग लाइक दैट इज देयर, मैं उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती. आई विल बी अपोलोजेटिक अबाउट इट बिकॉज अगर वो ऐसा गया है बाहर तो आई वुड नॉट लाइक टू डिफेंड माई सेल्फ बिकॉज आई एम एनी हाउ आई फील उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ मैं वर्ड्स के साथ. आई कैन ओनली अपोलोजाइज फॉर दैट. बट कहीं ना कहीं मुझे लगा, जो मेरे को लगा, मैं आई विल से कि मैंने वो बोला, जो भी मैंने बोला वो अपनी फील से बोला. एंड हाँ, आई वुड से कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैं बहुत दिल से कनेक्टेड हो गई हूँ और मेरी एक्सपेक्टेशंस वैसी रही हूँ और कहीं ना कहीं मेरी एक्सपेक्टेशंस मेरे हिसाब से फुलफिल ना हुई हूँ तो मैंने वो वैसा बोला हूँ. बट अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ लग रहा है एंड अगर मैं इतनी गलत दिख रही हूँ देन आई कैन ओनली फील सॉरी फॉर माई सेल्फ एंड आई कैन अपोलोजाइज टू एवरीवन. इसके बारे में मैं कुछ भी डिफेंसिव होके नहीं बोलना चाहूँगी और अगर मेरी गलती है तो आई वुड ओ इट बट शायद आई डोंट वांट टू से एनीथिंग मच. नहीं, पर दोस्ती दोनों तरफ से होती है ना, जैसे उन्होंने अभी उन दोनों से पूछा. तो आपने तो किसी के साथ दोस्ती नहीं निभाई. आप उनको जज करती हो जिनका बाहर से रिश्ता बना हुआ है या फिर यहाँ पे आके रिश्ता बना हुआ है. आप उनको बोलते हो कि ये इनसिक्योर है. आयशा के बारे में आपने कमेंट किया, इनके बारे में आपने कमेंट किया जब ये विकी से वक्त मांगती है, मुनावर से वक्त मांगती है. जो विकी ये आपका रियल पर्सनालिटी है, ये जो क्यूट क्यूट होके फिर किसी को भी मतलब इंसल्ट कर देना या फिर ये जो है यही मेरी पर्सनालिटी है वेरी ऑनेस्टली. क्योंकि मैंने जैसे बोला कि विकी भाई के साथ पहले तो मेरा कोई कनेक्शन नहीं था बट मैंने नॉमिनेशंस को कभी उतना मद्देनजर नहीं रखा बिकॉज विकी भाई ने मुझे फर्स्ट वीक में नॉमिनेट किया था. तो नॉमिनेशन तो सेकेंडरी पार्ट आता है एंड आई नेवर कनेक्टेड विद हिम. बट ऐसा नहीं है मैंने उनको कभी नॉमिनेट किया हो या कुछ, इट इज़ जस्ट कॉन्वर्सेशनल. बट विकी भाई मेरे उस लो फेज में थे जहाँ पे मेरे बाकी दोस्त नहीं थे एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम फ्रॉम देन. उसके बाद हमारी एक बार लड़ाई भी हुई जहाँ पे उन्होंने बोला तुम्हारी कन्वीनियंस की दोस्ती है, तो मुझे बहुत हर्ट हो गया बिकॉज हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो बट मेरी तरफ से कभी ऐसा नहीं था. उसके बाद उनकी मॉम आई अगले दिन और मैं दोबारा बोल पड़ी बिकॉज मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसको बातें करने का शौक है एंड आई कनेक्टेड टू हिम बिकॉज वो भी एक कॉन्वर्सेशनल पर्सन है. और जब विकी भाई से मेरी बहुत बातें होने लग गई सो एज अ रिस्पेक्ट मुझे था कि अब मैं अंकिता जी से भी यू नो लाइक जो भी है आई शुड सिट विद हर. मैंने उनको यहाँ बैठ के भी बोला कि आप सोचो कि आप सबके साथ एक घर में लॉक हो गए हो, यू नो आप सबके साथ एक ऐसा आपने पैकेज बुक करा लिया जब
ग्रुप के हनीमून पे हो और समथिंग, बट स्टिल आई थिंक थिंग्स वर नॉट फाइन. मेरी सिस्टर भी आई, मेरी सिस्टर ने भी समझाया, लाइक बोला विक्की भाई को कि यू नो वी ट्रीट यू लाइक आर ब्रदर जो दिल्ली में रहते हैं एंड वी कनेक्ट टू यू लाइक दैट. मनारा का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू होगा. प्रॉब्लम उस इंटेंशन की तरफ नहीं था ज्यादा जितना चिढ़ाने पर था. ये मैं फील कर सकती थी हर मौके पर. विक्की भाई मुझे कैसे बुलाते हैं वैसे बुलाई. इट हर्ट्स. It definitely, okay. as a wife, it yes. hurts. Okay, it's not a fine. joke. It may be a joke for her, for not for me. मेरा रिश्ता है यहाँ पर. और of course आपने मुझे insecure बोला, मैं आपको इसके लिए गलत नहीं बोलती, ये मेरी गलती है. तो ये मैंने दिखाई शायद insecurity, but मैंने वो इसलिए दिखाई क्योंकि मुझे feel हुआ. और ये जब मैं ऐसी ही हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ feel होती है, मैं 10 दिन बाद नहीं बोलती हूँ. मैं तब के तब तुरंत बोली हूँ. लेकिन आप अगर थोड़ी मच्योर होती ना, आप समझती कि एक कपल के बीच में अगर मैं प्रॉब्लम कर रही हूँ ना, तो मैं उनको यस. आपने बोली जैसे मुझे लगा मुनव्वर और मनारा की एक दोस्ती है, मेरी वजह से अगर वो थोड़ी सी भी बिगड़ रही है ना, आई टुक अ स्टेप बैक. और उसके बाद मुंह बनाती हुई टॉन्ट मारती हुई मुनव्वर को नहीं फिर रही थी. मैंने दिया उतना मौका, उतनी स्पेस मुनव्वर को. लेकिन आपने क्या किया, अभी भी आप चिढ़ाती हो, अभी भी आप कॉफी पे जाएंगे, काला घोड़ा पे मिलेंगे. आप क्या एक दिन हम बैठे थे तो अंकिता जी ने बोला आप दोनों आप में हमारे बीच में आग मत लगाइए. तो मेरे को बहुत थोड़ा सा शर्म आ गया और मुझे लगा कि यार मैं लिटरली यहाँ पे आई हूँ और मैं बात कर रही हूँ, मैंने क्या आग लगाई. और मैं बाहर आ गई, मेरे को बहुत ऑकवर्ड फील हुआ. जैसे आई सेड I'm not a doll कि मैं बात एकदम करने लग जाऊँ और चुप हो जाऊँ. And विक्की भाई आए और उन्होंने बोला you know मनारा I'm a kind of person I can manage everything but अपने दोस्त पे trust रखो. सना के time मैंने वो नहीं रखा but तुम्हारे लिए I would say I will take stand. What सना के लिए नहीं रखा? सना की दोस्ती जो भी थी विक्की से I think I was very very okay with that. नहीं विक्की अगर एक incident बार बार बोला है हाथ पकड़ने का आता है, मैंने एक बार भी reaction नहीं दिया. क्यों नहीं दिया? क्योंकि सना ने मुझे चिढ़ाया नहीं. There was no chidhana. Ankita ji, I really was not trying. No, Manara, आप बहुत स्मार्ट हो, आप दिखाती हो, आपको नहीं पता, लेकिन आप ये करती हो, अनइंटेंशनली करती होगी शायद आपके हिसाब से, क्योंकि आपको समझ में नहीं आती. विक्की भाई ने क्यों नहीं मना किया? विक्की तो अब मुझे नहीं पता, ये मेरी प्रॉब्लम है. विक्की क्यों नहीं मना कर रहा है समझा बताइए. को ये बात एक्चुअली अभी पता चल रही है और ये ऐसे अगर टीवी पे आई है तो भैया ने क्यों नहीं मना किया? मैं तो भैया ही हूँ. ये विक्की का, ये विक्की को आंसर देना चाहिए. मैं तो यही बोल रही हूँ, कब से विक्की को बोल रही हूँ, विक्की तू बोल, विक्की तुझे दिख रहा है अगर ये तो तू बोल. अगर अगर मुन्ना और मेरे चल रही है बिकॉज़ वो मेरे को अगर कल भी और मेरे ऊपर सवाल उठाए जाएंगे, अगर मुन्ना और मेरी दोस्ती पे सवाल उठाए जाएंगे तो मैं आंसरेबल हूँ इस चीज की. मैं बोलूंगी मुन्ना डोंट I don't like it. अगर तो ये विक्की को आंसर देना चाहिए. If he thinks it's a problem for us, and आपको चूज करना पड़ेगा आपके लिए प्रायोरिटी कौन सा है. मैंने अगर मेरे मुन्ना अगर विक्की को पसंद नहीं आया एक दिन जब वो पजेसिव हो गया और उन्होंने बोला कि आप स्टैंड मत लीजिए मेरी बीवी के लिए, मैंने तुरंत मुन्ना को एक चीज बोली थी कि मुन्ना आप स्टैंड मत लो. सो दैट वॉज मी. सो आई होप कि विक्की इस चीज का आंसर दे. हाँ बताओ. मैंने अगर चिढ़ाया पहले. अरे वो देंगे. अभिषेक एक सवाल आपके लिए. आपने अक्सर कहा है आप इमोशनली दिल से गेम खेलते हैं, तो ये दिल से वाला सवाल है, दिल से जवाब दीजिए. दिल से नहीं खेलता मैं. हाँ ठीक है, तो आज एक दिल से जवाब दीजिए कि जिस तरह आपने जो आपकी दोस्ती मुनव्वर के साथ निभाई है, आपको लगता है कि उन्होंने भी उस तरह की दोस्ती आपके साथ निभाई है? और जिस तरह आप उनके लिए स्टैंड लेते हो, आपको लगता है कि कभी वक्त आने पे वो आपके लिए इस तरह से स्टैंड लेगा? अभी वक्त बचा ही नहीं है. पर जब ईशा और मैं एक टाइम पे पहले दो हफ्ते आपको पता है जो मैं उसके लिए फील करता था, और फिर समर था या वो फेज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब था. मतलब वो चीज़ मेरे लिए सबसे वर्स्ट थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ईशा किसी और के साथ है भी और उसको मैं देख रहा था. और उस टाइम फिर मुनव्वर ने जब मेरा उस थर्ड वीक में मेरे को इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया, तब मैंने सोच लिया था कि यार ये इंसान मेरे इस मोमेंट पे खड़ा है ना, इसके साथ कुछ भी होगा ना, मैं इसके साथ खड़ा रहूंगा कैसे भी करके. तो बहुत सारी चीज़ें जैसे बीच में समर्थ और ईशा के क्लोज हो गया था, मैं एक साइड लाइन लग रहा था, मैं बार बार इसके पास जाके उस चीज़ को कन्फेस करता था कि मुझे लग रहा है यार तू दूर हो रहा है, दूर हो रहा है. पर ये उसमें खुश था क्योंकि इसको बोरिंग बोला जा रहा था, तो एक फन एलिमेंट दिखाने के लिए समर्थ के साथ जा रहा था. तो मैं समझ रहा था कि कोई बात नहीं. और सलमान सर भी बोल रहे थे कि तेरा एक फन साइड नहीं बाहर आ रहा है, तो ये समर्थ के पास जा रहा, तो मैं खुश था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी. मैं दूर रह के भी इसके साथ था, पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं यहां पे गलत नहीं हूं, तू
मेरे को ही क्यों गलत बोल रहा है। और पता नहीं क्यों मैं इससे इतना अटैच हो गया था कि जब मेरे को कॉल आउट भी करता था ना, मेरे को लगता था तू साले क्यों कर रहा है, मतलब तू मत कर बाकी कोई भी कर लो, ये अगर करता था ना मेरे को बुरा लगता था। जैसे एक दिन इसने, जब मैं वापस आया था दोबारा से थप्पड़ मारने के बाद, जब अंकिता जी ने, अंकिता जी के खिलाफ मैं बोला था और इसने स्टैंड लिया था, तो मैं बोल रहा था कि तू मेरे को मत बोल, बाकी कोई भी बोल रहा है ना मेरे को चल रहा है, तू मत बोल। तो मेरे को इसी चीज का बस गम था कि तू मेरा स्टैंड नहीं लेता, मैं तेरे लिए पीछे से भी बोलता रहता हूँ तू गलत है आयशा के मामले में, तू बिल्कुल गलत है। मैं तब भी बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं कोई गल नहीं, मुंडे ऐ ही करते, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, पंजाबी मुंडे सारे ऐ ही करते हैं, तू कर कोई बात नहीं। पर फिर मेरे को ऐसा लगता था कि यार तू भी थोड़ा सा मेरा स्टैंड ले लेगा तो सही है। बाकी मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्यार है, मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है और मैं इससे दिल से कनेक्टेड हूँ। आज एक मोमेंट हुआ था जिसमें ये मनारा गाना गा रही थी और ये सब्जी बना रहा था और मैं पपीता काट रहा था, तो ये दूर था मैं भी दूर था, हम दोनों ने ऐसे देखा और ये भी मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं भी इसकी तरफ देख रहा हूँ कि क्या क्यों गाना गा रही है, बंद करना। तो हमने उस टाइम पे वो मूवमेंट शेयर किया कि हम लोग इतने कनेक्टेड हैं कि दोनों को सेम चीज ऑकवर्ड लग रही है और दोनों एक दूसरे को लुक दे रहे हैं। तो मैंने कहा यार आगे तक जाने वाली है ये चीज, तो मुझे पसंद है इंसान, इसी को तो दोस्ती कहते हैं। मनोवर क्या आप ऐड करना चाहेंगे और हो सके तो अपनी शायरी वाली अंदाज में? नहीं दोस्त है तो मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करना चाहूंगा, जहां भी उसको लगा होगा जब बाहर जाएगा तो देखेगा, या नहीं भी देखा तो चलेगा, बट जो चीज़ उसने यहाँ पे महसूस करी वो मैं उसको कभी बाहर महसूस नहीं होने दूंगा। एक शायरी वाले अंदाज में दोस्ती के लिए बोलता हूँ शायरी, अभी दिमाग में दोस्ती पे कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि हम दोनों के बीच में, क्योंकि मेरे अभिषेक के बीच में ये भी तो बैठी है ना। हाँ, हमको भी भूल गए, कोई नहीं। बड़े से पहले वीक में मेरे को बात बोली थी नॉमिनेट करने के बाद कि जब तू बाहर जाएगा ना तब देखेगा, मैंने कहा क्या देखेगा, अब जाके पता चल रहा है, जो पहले वीक में बोला था कि मतलब मैं जो तेरे लिए कर रहा हूँ तू बाहर जाके देखना।